अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बनाना फ्लावर की रेसिपी। तो फिर से ले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले बनाना फ्लावर की करेंगे कटिंग। तो आप लोग देखते रहेगा कैसे कैसे करती हूँ कटिंग। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर नए और पुराने सभी फ्रेंड्स का कहती हूँ मैं स्वागत। और नए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, बनाना फ्लावर को काट लिया है मैंने। अब मैं इस पर पानी डाल के बॉईल कर लूँगी 15 या 20 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। तो बनाना फ्लावर भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको छान के निकाल लूँगी अच्छे से। और कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इस पर डालूँगी तेल और अब मैं डालूँगी बारीक कटा हुआ एक प्याज। अब मैं डालूंगी दोस्तों 1 तेजपत्ता, 3 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा। अब मैं सभी को मिक्स कर लूंगी। और दोस्तों, अब मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं मिक्स कर लूंगी मसालों को। तो फ्रेंड्स, अब मैं बॉईल किए हुए बनाना फ्लावर को डाल दूंगी। अब दोस्तों डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक और मिक्स कर लूंगी सभी को अच्छे से। और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा तीखा चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और फिर सभी को मिक्स कर लूंगी अच्छे से फिर से। और फ्रेंड्स, अब डालूंगी थोड़े से पानी और फिर ढक्कन बंद करके पकने दूंगी 15 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से पक चुकी है अभी। अब दोस्तों, मैं बनाना फ्लावर पर 2 एग मिक्स कर दूंगी। अब अगर एग नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं फीटे हुए एग को सब्जी के ऊपर डाल दूंगी। और अब मिक्स कर लूंगी अच्छे से। और 3 मिनट एक्स्ट्रा भूनूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कम मसालों में कम तेलों पर आप लोग टेस्टी और हेल्दी खाना घर में बना सकते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो पर।